2021 के लिए हमने आपसे वादा किया है कि हमने है ठाना आपको पैट पास कराना, तो उसी को पूरा करने के लिए हमने पूरी पूरी एक सीरीज चला दी है जहाँ पर मैथ की आपको एक एक करके वीडियो मिलती जा रही है। और आज हम जो पूर्ण संख्याओं का चैप्टर है उसे समाप्त करेंगे और फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है भाई संख्याओं का योग। आज का जो टॉपिक रखा है हमने क्या रखा है, संख्याओं का योग। अब संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो भी वही बात है, पूर्ण संख्याओं का योग पूछ ले तब भी वही लगेगा। देखिए भाई, लेकिन लगातार की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर लगातार संख्याओं की बात कर रहे हैं। जैसे 1+2+3+4 अप टू एन तक अगर मैं बात करूँ तो इसे लिखा जाता है भैया सिग्मा एन। ये जो सिग्मा है इसको ही हम क्या कहते हैं, योग। इसे योग कहते हैं, मतलब ये जो सिग्मा, ये चिन्ह है किसका, सिग्मा का। किसका चिन्ह है, सिग्मा। ये जो सिग्मा का चिन्ह है ये योग को प्रदर्शित करता है, मतलब इसके आगे जो भी संख्या होगी वो अंतिम संख्या होगी, कहाँ तक का उसने योग पूछ लिया। तो एक तो इस तरह के मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करेगा तो मतलब वो सिग्मा एन की बात कर रहा है। दूसरा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात कर रहा तो वो सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर वो घात 3 की बात कर रहा है, अगर वो घात 3 की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो घन चाह रहा है आपसे सिग्मा एन क्यूब। अब देखिए, जो बच्चे मैथ पढ़कर आए हैं, जो बच्चे मैथ जानते हैं, उन्होंने सूत्र पढ़े होंगे तो पहले उन्हें सूत्र बता दिया जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों ने आज तक मैथ नहीं पढ़ा उनके लिए हम अपना सूत्र बताएंगे कि उन्हें सूत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना, दोनों से करके दिखाएंगे, दोनों से आंसर से माना। और मैं समझता हूँ जो हम उनके लिए बताएंगे जिन पर मैथ नहीं आता, वीडियो देखने के बाद जिन पर मैथ आता है और जिन्हें फॉर्मूले याद हैं शायद वो भी उन्हीं तरीकों से बेहतर क्वेश्चन को हल कर सकते होंगे। चलिए देखते क्या है भाई। अगर वो सिग्मा एन की बात कर रहा, मतलब ये है एन लगातार संख्याओं का योग। मतलब सिग्मा एन का मतलब क्या है, एन लगातार संख्याओं का योग। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब है एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है भाई, यह है एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। अगर घात 2 आ रही तो वर्ग की बात कर रहा, घात 3 आ रही तो मतलब घन की बात कर रहा है। एन लगातार संख्याओं के घनों का योग। तो अभी तक पहली बात, बेसिक चीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1+2+3 अप टू एन तक जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिग्मा एन। क्या कहते हैं उसे, सिग्मा एन। लेकिन सिग्मा एन का अगर मोटे तौर पर मतलब समझें तो सिग्मा एन का मतलब क्या है भाई, एन लगातार संख्याओं का योग। क्या है, एन लगातार संख्याओं का योग। लेकिन 1² + 2² + 3² अप टू एन स्क्वायर तक आ रहा है तो इसका मतलब ये है सिग्मा एन स्क्वायर। क्या है ये है भैया, सिग्मा एन स्क्वायर। और सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है, एन लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। और अगर 1³ + 2³ + 3³ अप टू एन क्यूब तक आ रहा है तो सिग्मा एन क्यूब लिखते हैं, और सिग्मा एन क्यूब का मतलब हो जाएगा एन लगातार संख्याओं के घनों का योग। क्या हो जाएगा, एन लगातार संख्याओं के घनों का योग। चलिए ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जिन्होंने सूत्र याद किया है तो सिग्मा एन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। सिग्मा एन बराबर क्या है भाई, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। सिग्मा एन स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो एन इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। सिग्मा एन का मतलब लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं
का योग अगर निकालना तो n इंटू एन प्लस वन बटे दो और सिग्मा n स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे छः। लेकिन अगर सिग्मा n क्यूब का मान निकालना तो कुछ नहीं है, केवल जो सिग्मा n है उसका वर्क करना है आपको। क्या करना उसका मेरे भाई? वर्क करना। मतलब अगर पहले दो सूत्र आपके याद हैं तो तीसरे में तो घात दो लगानी। पहले दो सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो तीसरा तो याद करना कुछ है ही नहीं, केवल घात दो लगानी है। देखिए ये वो फॉर्मूले हैं जो आप याद करके आए हैं। ये कौन से फॉर्मूले हैं? वो जो आप याद करके आए हैं। अब एक एक क्वेश्चन लेंगे और हम अपने फॉर्मूले भी आपके साथ साझा करते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ये है आप लोगों का, अब हम क्या करते हैं, हमने बदल दिया इसे। क्या करेंगे भाई? यह है सिग्मा एन बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। ठीक है जी। देख कुछ बच्चे कहेंगे तो सेम बात है, बात तो देखें गणित में कान इधर से पकड़ो या इधर से कान तुम्हारा ही पकड़ा जाना है, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर वही है, चाहे तो सिग्मा एन इंटू एन प्लस वन बटे दो लिख लो या सिग्मा एन बराबर अंतिम संख्या गुना उससे अगली संख्या बटे दो। लेकिन ये याद करने में आसान है भाई, अंतिम संख्या गुना उससे अगली संख्या बटे दो। अब ये क्या है, n इंटू एन प्लस वन, पता नहीं लगता बच्चों क्या है। चलिए एग्जाम्पल के दोबारा समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू, हमने कहा 50 तक की संख्याओं का योग बताओ भाई। क्या 50 तक की संख्याओं का आपको योग बताना है? चलिए कोई नहीं, अब योग बताना। तो इससे अगर हम करेंगे या इससे करेंगे बात एक यानी देखें, अगर इससे करते हैं तो क्या है, एन क्या है जो लास्ट में संख्या लिखी है, एन क्या है जो लास्ट में संख्या लिखी है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक प्लस दो प्लस तीन अप टू क्या लिखा था यहाँ पर एन, तो एन की जगह क्या आया 50। लिख दो भाई एन की जगह 50 लिखो, जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या लिखोगे 50 प्लस एक बटे दो, ठीक है भाई। या यहाँ 50 50 और एक 51 बटे दो, 50 और एक 51 बटे दो। अब दो से हमने अगर काट दिया तो कितनी बार कटा भाई 25 बार, और 25 से अगर मैं 51 की गुणा करूँ तो 25 गुणा 25 का 5 का हासिल को 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा भैया 52, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा भैया 525, ठीक है। अब जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है इसे देखें भाई, क्या है क्वेश्चन तो जुगा तू है, क्वेश्चन आपका यही है। अब इसे करना अंतिम संख्या, अब हमें यह देखना एन क्या है, अब हमें क्या ये नहीं देखना कि एन क्या है क्या नहीं, हमें तो लास्ट में देखना क्या लिखा, लास्ट में देखना क्या लिखा, यह आया 50 गुणा उससे अगली संख्या, इससे अगली तुरंत तैयार कर दो भैया, 50 आगे क्या है 51, 50 आगे क्या आती है 51, 100 आगे क्या आती है 101, 70 आगे 71, तो जो भी उससे अगली संख्या लिखनी है आपको बटे दो। देखे ठीक है, ओहो यहाँ पर गुणा गलती कर दी भाई हमने, गुणा गलती कर दी, 25 एकम 25 का 5 का हासिल को 2, 25 पंजे 125 और 2 127 होगा भाई, ये गलत हो गया भाई, ठीक है। ऐसी कोई गलती हो जाएगा तो उसे देख ले करो एक बार, ठीक है। देखिए गलती, आदमी गलतियों का पुतला है, तो गलती किससे भी हो सकती है। अब यहाँ पर भी करके देख लो, कोई बात नहीं, सेम है जो कर दूँ, 25 एकम 25 का 5 का हासिल को 2 और 25 पंजे 125 और 2 आ जाएगा आपका 127, कुल मिलाकर 1275 जो है आंसर आ गया। क्या आया 1275। और देखते हैं भाई क्या है, हमने क्वेश्चन बढ़ाया और यहाँ पर क्या लिखा भाई 100 लिखा। हमने क्या करा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, 100 तक का योग चाहिए, कहाँ तक का 100 तक का योग चाहिए। तो अब अपने वाला लगाएंगे हम, क्या अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो, क्या है अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो, मेरे साथ बोलो अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो, क्या है अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। अब दो से काट दे, हमने कितनी बार काटा भाई 50 बार, अब 50 की गुणा करेंगे 50 एकम 50 और 50 एकम 50, तो 5050 जो है वो क्या बना आंसर बन गया, क्या बन गया भैया 5050 जो है वो इस क्वेश्चन का
आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें इसी में हमने बढ़ाया और यहाँ पर आपके लिए कर दिया 120 तक का योग निकालना। कहाँ तक का योग निकालना? 120 तक का। कहाँ तक का योग निकालना? 120 तक का योग निकालना। तो क्या बताया था हमने? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। क्या बताया? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। तो अंतिम संख्या 120, उससे अगली संख्या 121 बटे दो। दो से काट दिया, कितनी बार कटा भाई? 60 बार। ठीक है भाई, अब यहाँ पर गुणा कर दो भाई। एक जीरो जू का तू लगा दो और छः की गुणा करनी, तो छः कम छः, छः दूनी 12 का दो का हासिल को एक, छः कम छः एक सात, कुल मिलाकर कितना आया भाई? 7260। ठीक है, कितना आया? 7260। चलिए एक क्वेश्चन और लिया हमने, और इस बार ये रहा 80 तक का योग निकालना। 1+2+3 अप टू कहाँ तक का? 80 तक का योग निकालना। क्या करना? 1+2+3 अप टू लगातार, अप टू का मतलब लगातार होती हैं, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 80 तक लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए स्टार्टिंग में सारी चीज़ें लिखवा दी गई हैं। और इसका क्या करना भाई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि पता तो लगे, पता तो लगे कि दिमाग यहीं है या कहीं घूमने जा रहा है सड़क पे। दिमाग को एकाग्र अगर करोगे तभी तो बात समझ में आएगी, तभी बात समझ में आएगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सूत्र यही रहेगा, काम यही रहेगा, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी भैया। देखिए क्या है भाई, बात समझो। अब हमने क्या करा? 11+12+13 अप टू कहाँ तक? 50 तक का योग निकालना। क्या करना? 11+12+13 अप टू 50 तक का योग निकालना। तो हमें तो जैसे ही लगा, हम तो एक रास्ते के चलने वाले हैं, जैसे ही हमने लगा लगातार संख्याएं, हमने तुरंत करा क्या? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या, 50 से अगली संख्या 51 बटे दो। अब दो से काट दिया, गुणा करी तो 25 + 25 = 25, 5 = 125 और 2 = 127। अभी तो आया था 1275, अभी तो इससे पहले थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिया था यही तो क्वेश्चन करा था, बिल्कुल यही करा था। तो वहाँ पर भी आंसर क्या आया था भैया? 1275। और यहाँ पर भी क्या आंसर है? 1275। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे दिक्कत है, कि दिक्कत क्यों है? उस क्वेश्चन को अगर आप जो है थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओगे और उस क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पर क्या था? 1+2+3, क्या था? 1+2+3 अप टू 50 तक। क्या था? 1+2+3 अप टू 50 तक। लेकिन यहाँ पर क्या है? 11, 12, 13 अप टू 50 तक। यहाँ पर 11 से स्टार्ट है, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है? 11 से। और वहाँ कहाँ से स्टार्ट था? 1 से। इसका मतलब 1 से 10 तक जो संख्याओं का योग बनेगा, 1 से 10 तक जो संख्याओं का योग बनेगा वो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? घटाना पड़ेगा। तो आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो 1 से स्टार्ट नहीं है, सबसे पहले ये देखना कि 1 से स्टार्ट है या नहीं है। तो जिन क्वेश्चनों की स्टार्टिंग 1 से नहीं है उनमें क्या करें? इससे जस्ट पहली संख्या पर जाइए आप। इसमें क्या करें? इससे जस्ट पहली संख्या पर जाइए, वो क्या है भैया? 10। और फिर वही सूत्र लगा दो। अब ये 1 से 10 तक का योग निकल रहा है, 10 गुणा उससे अगली संख्या 11 बटे 2, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 घटा दिया हमने, कितना बचा भाई? ये देखें 1220 जो है वो आंसर बन गया, 1220। अच्छा एक तरीका यह है, एक तरीका और बताता हूँ, एक तरीका और बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक तरीका तो यह है, एक दो क्वेश्चन लेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा लगता होगा जिन बच्चों को देखें मैथ नहीं आता उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत बिल्कुल आएगी, लेकिन अगर वो बार बार अपने क्वेश्चनों को करके देखेंगे तो वो दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या है भाई? एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ, अब दूसरा तरीका, एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो क्लियर होते चले जाएंगे। क्या करो आप? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। क्या करें? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। क्या करें? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, मतलब 11+50/2। क्या करा हमने? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। और इनटू में इसके ये और देखना है कि संख्याएं कितनी हैं, उनकी गुणा करनी है केवल। 11 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं?
करिए भाई कमेंट बॉक्स में, निकालें। आपको 30 मिनट का समय दिया जा रहा हूँ कि आपको ये बताना कि 11 से लेके 50 तक की संख्याओं की संख्या कितनी है। क्या बताना? 11 से लेके 50 तक की संख्याओं की संख्या बतानी। जैसे मैंने लिया 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं पूछूं कि 5 से लेके 10 तक संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 से 10 तक संख्याओं की संख्या कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी आई? 6। अब यहाँ पर गड़बड़ होती है आपसे। आप क्या करते हो कि यहाँ 5 से स्टार्ट है, यहाँ 10 पे एंड है, तो 10 में से 5 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा। ये गड़बड़ है, गलत है। सेम चीज़ यहाँ पर देखें, आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या नहीं घटानी, उससे पहली घटानी। लास्ट वाली संख्या में से जो सबसे पहली संख्या है उससे पहली घटानी। 50 में से क्या घटाना? 10। 50 में 10 घटाया कितना बचा भाई? 40। 50 में 10 घटाया कितना बचा? 40। और बस यही काम बनेगा। या फिर एक काम करो आप कि इसमें से ये घटा दो आप और एक जोड़ दो उसमें। 50 में से 11 गए, कितने बचे? 39 प्लस 1। जैसे यहाँ पर 10 में से 5 घटाए तो 5 बचे, और 5 में एक जोड़ दोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगी भैया? 6 मिल जाएगी। तो अब इस हल करो, उत्तर आ जाएगा भैया। देखिए 61 × 20, तो यहाँ पर क्या आया भैया? 2, 6, 12, 1220। और यही तो आंसर आया था। क्या आया था? यही तो आंसर आया था। और देखते हैं भाई, और लीजिए भाई, क्वेश्चन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, चीज़ें समझते रहो। क्या है भाई? 21, 22, 23 up to 40 तक का योग बताना। 21 + 22 + 23 up to 40 तक का योग बताना। क्या करना? 21 + 22 + 23 up to 40 तक का योग बताना। तो सबसे पहले देखिए, उसी तरीके से कराऊंगा जो सब स्टार्टिंग वाला, ये वाला अपना अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे दो। माइनस इससे पहली संख्या क्या थी? 20 गुणा 21 बटे दो, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। 2 से काट दिया, 20 बार कटा, 2 से काट दिया, 10 बार कटा। अब यहाँ पर गुणा कर दो भाई, कितना आया? 0, 2, 4, 2, 8, 4, 820 माइनस ये आ गया 210, घटा दोगे भाई तो क्या बचेगा? 610। आंसर कितना आ गया? 610, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देख लो, जो अभी बताया था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। पहली संख्या कितनी है? 21। अंतिम संख्या कितनी है? 40। पहली संख्या कितनी है? 21। अंतिम संख्या कितनी है? 40 बटे दो। और गुणा कितनी संख्याएं हैं भाई? 40 में से 21 घटा दो, 19 बचे, 19 और 1 20। संख्याएं कितनी हैं? 20। बस हल कर दो भाई, इसे यहाँ पर कैंसिल करा 10 बार, और 21 और 40 61 गुणा 10 कुल मिलाकर 610 आंसर बना। मैं समझता हूँ अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत आप लोगों को इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए। दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। क्या है भाई दूसरा? ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा था हमारा सिग्मा एन स्क्वायर बराबर एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटे 6, यही था, ठीक है जी। क्या था? एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटे 6। और अगर हम अपना सूत्र बनाएं तो देखिए इतना तो यही है सेम। क्या है? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या। यहाँ तक तो कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है जी। बस इससे आगे का एक संख्या याद करनी, क्या करना? दोनों का योग और बटे 6। क्या करना? दोनों का योग बटे 6। क्या बनाया हमने? अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। बात देखते हैं भाई, अगर 1² + 2² + 3² up to 20² की बात करें तो क्या है भाई? पहले इसे लिया हमने, n का मान 20 है, 20 + 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे हम? 20। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे? 20। तो n की जगह 20 रखा, फिर दूसरे n की जगह 20 रखा, फिर यहाँ पर 2 × 20 + 1 और बटे में क्या है भैया? 6। बटे में क्या है भाई? 6। n की जगह क्या रखा? 20। तो 20 जोगा तो फिर n की जगह 20 + 1, फिर n की जगह 20 रखा, तो 2 × 20 + 1 कुल मिलाकर कितना आया? यह आया 20
या 21 या 20 दूनी 40 और 41 बटे 6, ठीक है भाई। 200 काट दिया, 200 काटा 10 बार कटा, 200 काटा 3 बार कटा, 300 काट दिया, 3 7 21, कुल मिलाकर गुणा कर दिया हमने, एक जीरो लगा देंगे भाई, 7 × 7 और 7 × 4 = 28, तो आंसर कितना बना 2870, आंसर कितना बना 2870। अब देखें इस तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें सवाल जुगत हुआ है, ठीक है, सवाल हमारा 1² 2² up to 3² + up to 20² तक, अब ये फॉर्मूला है हमारा, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6, क्या है, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। अब अंतिम संख्या क्या है, देखिए भैया 20, क्या है लास्ट वाली संख्या 20, इतना तो बता ही सकते हो, लास्ट वाली संख्या क्या है 20, लास्ट वाली संख्या क्या है 20, लास्ट वाली संख्या क्या है 20, गुणा उससे अगली संख्या क्या होगा 21, 20 आगे क्या आता है 21, कोई बता सकता है 20 आगे क्या आता है 21, 20 आगे 21, ठीक है जी। अब दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 21 कितना आया 41, 20 और 21 कितना आया 41, भैया जिन पे जोड़ना नहीं आता ऐसे जोड़ लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और बटे 6 जोगा तू। अब देखिए यहाँ पर इतना जुगाड़ करने के बाद ये लाइन आई थी यहाँ डायरेक्ट आ गई, ठीक है, ये एक लाइन डायरेक्ट खत्म हो रही, अगर हम अपने फॉर्मूले से बाद वाले फॉर्मूले से कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, डायरेक्ट आ गई, अब फिर तो वही काटा पिटी मचा दो बस, ठीक है भैया, और उत्तर वही आ जाएगा आपका 2870। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है भाई, चलिए लेते हैं भाई, क्या लिया हमने, लिया 1² 2² 3² up to 10² मतलब 10 तक के वर्गों का योग निकालना, क्या है 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, तो अंतिम संख्या 10, उससे अगली संख्या 11, 10 से आगे क्या आता है 11, 10 से आगे क्या आता है 11, 10 से आगे क्या आता है 11, गुणा दोनों का योग, 10 और 11 को जोड़ना है, क्या करना 10 और 11 को जोड़ना है, तो 10 और 11 कितना हो गया भैया 21/6, कितना आया 10 और 11 21/6। अब यहाँ पर 200 काट दो भाई, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21, ठीक है भैया, 7 × 5 = 35 × 11 385, ठीक है जी, आंसर बनेगा भाई, देखिए जिन पर गुणा नहीं आती 35 और यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 का 5 का हासिल को 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 385, कितना आ जाएगा 385, तो इस तरह से कर सकते हैं भाई, ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमने दिए आपको, अब तीसरे की तरफ चलते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर की तरफ चल रहे, किसकी तरफ चल रहे, सिग्मा एन क्यूब की तरफ, सॉरी, तो फॉर्मूला हमने बताया n(n+1)/2 की पावर क्या लगानी आपको, 2 लगानी केवल, n(n+1)/2 की पावर क्या लगानी, 2 लगानी, यहाँ पर अपना भी यही है भैया, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो ऊपर लिखा है जुगा तो लिखो बस और स्क्वायर लगा दो, मतलब अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे कितना 2, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2 की घात 2, क्या करना सिग्मा एन क्यूब बराबर अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2 की घात कितनी है भैया 2, जैसे लिया हमने 1³ + 2³ + 3³ up to 5³ तक निकाल सकते हैं, ठीक है जी, देखिए क्या है, पहले ये देखना n की जगह क्या रखना है 5, जो लास्ट वाली संख्या वही क्या है n के स्थान पर है, तो 5 गुणा उससे अगली संख्या 6/2 की पावर कितना लिखना भैया 2, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 3 × 5 = 15, 15 की घात 2 का मतलब 15 का वर्ग 225 होता है भैया, 15 का वर्ग कितना होता है 225, जिन बच्चों पर अभी वर्ग नहीं आते वो गुणा कर लें तो 225 आ जाएगा भैया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी यही है भाई, अंतिम संख्या 5 है उससे अगली संख्या 6 है और बटे 2 की पावर 2 है, तो 2 × 6 = 6, 5 × 3 = 15, 15 × 2 का मतलब 225 आ गया, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1³ 2³ 3³
अप टू कितना दिया हमने 10 क्यूब, मतलब 10 की घात 3 तक का हमें योग निकालना। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 अप टू कहाँ तक, 10 की घात 3 तक का हमें योग निकालना। तो उसी तरह से करना, उसी तरह से करना है। क्या करेंगे भाई, देखें अंतिम संख्या कितनी है, 10 है। अंतिम संख्या कितनी है, 10 है। उससे अगली संख्या कितनी है, उससे अगली संख्या है 11। अंतिम संख्या 10 है, उससे अगली संख्या क्या है 11, और बटे 2 की घात कितना है भाई 2। 10 गुणा 11 बटे 2 की घात 2। अब 2 से हमने काट दिया 10 को, 2 पंजे 10, और ये आया 11 पंजे 55 की घात 2। क्या आया 11 पंजे 55 की घात 2। क्या आया 11 पंजे 55 की घात 2। अब 55 की 55 में गुणा करने हैं भैया, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा भैया, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 पंजे 25 और 2 27। अब यहाँ पर हमने कट्टा लगाया जी, 5 पंजे 25 की 5 का हासिल को 2, 5 पंजे 25 और 2 कितना आ गया भैया 27, जोड़ दिया। 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10, कुल मिला कितना आया भाई 3025। कितना आया 3025, ठीक है भाई, ये आंसर बना। अब देखिए इतना जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, इतना जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, क्या करना है आपको, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ी सी अगर आप में समझ है तो जिनके बाद में 5 आता है उनके वर्ग आप तुरंत निकाल सकते हैं, जिनके बाद में 5 आता है उनके वर्ग तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मतलब 55 की 55 में गुणा, 45 की 45 में गुणा, 15 की 15 में गुणा, 25 की 25 में गुणा, 95 की 95 में गुणा, इस टाइप का कोई आपको गुणा करनी तो कुछ नहीं करना, लास्ट में तो 25 ही लिखना। लास्ट में क्या लिखना भैया 25, अभी इतना भी याद नहीं आता 25 कहाँ से लिखा, डायरेक्ट गुणा कर दो 5 पंजे 25, डायरेक्ट गुणा कर दो 5 पंजे 25, डायरेक्ट गुणा कर दो। यहाँ हमने 5 पंजे 25, मतलब इनकी हमने दोनों की क्या कर दी भैया गुणा 5 पंजे 25। अब इसमें क्या करना, एक बढ़ाना है, इसमें क्या करना एक बढ़ाना। अब जैसे ही प्लस करा मैंने एक, तो 5 में एक जोड़ोगे क्या जाएगा 6, 5 में एक जोड़ोगे क्या जाएगा 6, 5 में एक जोड़ोगे क्या जाएगा भैया 6, 5 में एक जोड़ोगे क्या जाएगा भैया 6, तो 5 अरे 6, 5 अरे 6, और 6 की गुणा इसमें कर दो 5 6 30, 5 6 30, तो 3025। देखिए आंसर आके डायरेक्ट, अभी हमने और भी तो लिए थे इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले एक आया था 15 का, 15 का वर्ग भी आया था भाई, ठीक है आया था नहीं 15 का वर्ग, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए 15 का वर्ग 225 था, लेकिन कैसे हैं देख लिए भाई, मैंने क्या बताया डायरेक्ट इनकी गुणा कर दो 5 5 25, डायरेक्ट इनकी गुणा करी 5 5 25, डायरेक्ट गुणा करी कितना आया 5 5 25। अब इसमें एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो जो भी संख्या लिखी, तो एक और एक दो, एक और एक दो, और दो एक कम दो, देखिए 225 ही तो आया था 15 का वर्ग, बिल्कुल 225 आया था। और देखें अगर आपको 85 का वर्ग निकालना, मतलब 85 की गुणा 85 में करनी, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन को दो पेंशन, और 5 की गुणा करो 5 में, 5 5 25, 5 5 25, मतलब लास्ट का तो पता लग गया हमें 25 ही आना। अब यहाँ पर क्या करना, प्लस एक कर दो भैया, तो 8 8 9 कितना आया 8 8 9, कितना आया 8 8 9, कितना आया 8 8 9, और 9 8 72 कितना आया भाई 9 8 72, कितना आया 9 8 72। अभी वर्ग का चैप्टर जब आएगा ना तो वर्ग निकालने बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये काम की बात आई थोड़ी सी तो मौका बताता चलूँ। देखिए भाई 75 की गुणा अगर 75 में करें हम, 75 का वर्ग निकालना, तो कुछ नहीं करना इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की क्या करनी है गुणा, ठीक है जी, इन दोनों की क्या करनी है गुणा, तो 5 5 25, 5 5 25। अब 7 में एक जोड़ दो 8 हो गया, 7 में एक जोड़ दो कितना हुआ 8, 7 में एक जोड़ दो कितना हुआ 8, 7 में एक जोड़ दो कितना हुआ 8, और 8 7 56, 8 7 56, मतलब कुल मिलाकर 5625 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बनेगा। चलिए मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी, और अगर फिट बैठ गई है तो 35 का वर्ग बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए सबसे बड़ी कमी आप लोगों में क्या है कि आप या तो वीडियो पूरा नहीं देख रहे, और पूरा नहीं देख रहे तो हम मतलब हमारी मेहनत जारी है बेकार। हम चाह रहे हैं कि इस बार आपका पैट पार हो जाए, ठीक है, अब की बार पैट हो जाए बाहर, यही हमारा नारा है, उसके लिए हम यहाँ पर पूरे जोर लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरा नहीं देखने के तो बात कैसे बनेगी, साथ साथ
अगर पूरा देख रहे हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है भैया कमेंट क्यों नहीं करते आंसर।